गाइस, जैसा कि आपने देखा, हम जा रहे हैं शिमला की तरफ और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हम रात को 3 बजे शुरू हुए थे दिल्ली से और तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है। कोई परमिट नहीं है, कोई कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, बस जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता सब। इतना जबरदस्त व्यू इस तरफ, सारी धुंध है खेतों के ऊपर वहां पे, और घूमते ही सनराइज। तो गाइस, मैं ऑलमोस्ट जीरकपुर पहुंच चुका हूं। जीरकपुर है चंडीगढ़ के पास और यहां पे मैं पेट्रोल वगैरह भरवाने गाड़ी में, एंड अब हम यहां से जाएंगे शिमला। ये रोड सीधी शिमला की तरफ जाती है, ये जीरकपुर भी जाती है और चंडीगढ़ यहां से कुछ आधे घंटा दूर है। तो अब हम यहां से शिमला जाएंगे। अभी तक कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं था, कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई, कहीं कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। अभी हम जाएंगे, अब हिमाचल एंटर होगा। अभी तक हमने हरियाणा एंटर किया, अभी तक हमने पंजाब एंटर किया, अब एंड हिमाचल। तो हमें ये देखना है कि हिमाचल में हमें रोकेगा कोई या कोई पूछताछ है या नहीं। कुछ होता है तो आई टाइम। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I stand. पाजी पहाड़ आ गए। ओ हाँ जी पाजी। अब पाजी पहाड़ आ गए। बड़े टाइम बाद आए यार। Standing tall, fear outweighs the person you are. So guys, हम पहुंचने वाले हैं। अभी भी कम से कम 3 घंटे का रास्ता बचा है। टाइम हो रहा है 8:15। पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है और कहीं कोई चेकिंग नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हमें। एकदम स्मूथ जा रहे, कोई परमिट नहीं, कोई कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं, सब बहुत ही मज़ेदार है। और काफ़ी धूप है अभी इस टाइम पे, काफ़ी सनी है, तो गर्मी लग रही है काफ़ी। बट शिमला जाके वेदर बहुत बेटर हो जाएगा। मैंने फॉरकास्ट चेक किया था, वहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट है, होना चाहिए। सो वहाँ जाके देखेंगे कि कैसा वेदर है। हिमाचल प्रदेश चेक पोस्ट। अब हम ऑफिशियली हिमाचल के अंदर एंटर हो चुके हैं एंड अभी तक कोई चेकिंग नहीं, कोई कोविड-19 की चेकिंग नहीं, कोई पास नहीं, कोई परमिट नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। बट ऐसे लोग होते हैं। हम ऐसे रैंडम एक जगह रुक गए और अभी अभी मेरे को यहाँ पे सांप दिखा और फटी अंदर से थोड़ी सी, बट मज़ा आया। अब यहाँ पे थोड़ी ठंडक है, बट धूप अगर तुम्हारे फेस पे डायरेक्ट है तो गर्मी लगती है। सो गाइज, अभी हम सिर्फ 1 घंटा दूर है शिमला से। हमारे होटल्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, जाना है, चेक इन करना है और पसर जाना है।
काफी टायर्ड है तो अभी बस खाने के लिए रुके हैं। हाँ जी मास्टर शेफ कैसा है? अच्छी है। सो गाइस इसके कहते हैं पहाड़ों पे आराम से चलानी चाहिए। ये एक कर्व है, ये ऐसे कर्व है, ओवर स्पीडिंग करते हुए आ रहे होंगे और साइड से कोल्यूजन हो गया और ये हेड कोल्यूजन है, ये हेड कोल्यूजन का नतीजा है। सो आराम से चलानी चाहिए और अपनी साइड पे चलानी चाहिए और स्पेस दे के चलानी चाहिए। ये प्रोबेबली वहाँ से आ रहे होंगे, एक गाड़ी यहाँ से आ रही होगी और ये कॉर्नर टू कॉर्नर हेड कोल्यूजन है। तो गाइस छोटा सा ब्रेकफास्ट हो गया हमारा एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स शिमला जो अब बस एक घंटा दूर है। तो ये है शिमला, ऑलमोस्ट पहुंच गए, दो मिनट दूर है बस। अब अपने होटल से जाएंगे एंड क्रैश हो जाएंगे एकदम, बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम तो। गाइस हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में दे दी है और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग की बहुत दिक्कत है। सो गाइस दिस इज द प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं आया हूँ। मैं आपको अभी पुराना पूरा ताम झाम समझाऊंगा कि हमारे साथ क्या सीन हुआ। तो ये हमारा रूम है, रूम बहुत अच्छा और कोजी है। दिस इज द वॉशरूम और अगर व्यू की बात करें तो भैया ये हमारा बालकनी का व्यू। हाँ जी तो अब बात आती है सीन क्या हुआ। हमने बुकिंग कराई थी ओयो से, ओयो पे रूम था बहुत बढ़िया, ये अभी आ रहा होगा स्क्रीन पे आपकी रूम। वहाँ गए, इतना थर्ड क्लास रूम उन्होंने हमें दिया, इतना थर्ड क्लास जिसकी हद नहीं। रूम अपग्रेड कराने की बात करें जितने का रूम था उतने ही अमाउंट हमसे और ले रहे थे और जो हमें रूम दे रहे थे वो उससे नीचे की कैटेगरी का था बट वो उसको अपग्रेड कर रहे थे। तो हमने उस रूम को छोड़ दिया, जो एडवांस दिया वो देखा जाएगा, वो ऐप से पैसे आते हैं नहीं आते देखी जाएगी। हमने रूम शिफ्ट किया, अब हम इस होटल में आए जिसकी आपने अभी वीडियो देखी। ये होटल बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद आया, बहुत अमेजिंग है। मॉल रोड के पास नहीं है बट ऐसा नहीं, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आप अराउंड 30 मिनट्स में पहुंच जाओगे मॉल रोड से यहाँ। बट यहाँ पे जो पीस है, यहाँ पे जो कामनेस है, इस जगह इस प्रॉपर्टी की जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। हमें प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे रेट में मिल गई क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। इन्होंने हमें बताया कि स्नो सीज़न के टाइम पे रेट्स हाई होते हैं, अभी के टाइम पे रेट्स कम है। तो हमें बहुत अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी मिली। मैंने नंबर दिया, आप इनको फ़ोन करो, बात करो एंड आप भी यहाँ पे आओ, ज़रूर आओ। और जहाँ तक है बात आगे के प्रोग्राम की, तो अभी दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग, ये पार्ट वन का एंड है। वेट करो पार्ट टू में, हम शिमला के बारे में, शिमला में और जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न से आपको पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये